अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी वो मुझे रजिया से बात करनी थी। अच्छा रुको एक मिनट। ये लो, हमारी लड़की ने ये अंगूठी दी है। कुछ बताया नहीं, अब जाओ। चलो मगर आंटी वो जाओ जाओ, गेट के बाहर जाओ। बस 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 बहुत हो गया आंटी, मुझे उससे बात तो करने दे। नहीं नहीं बस जाओ जाओ, गेट के बाहर जाओ। चलो आंटी अब तो जाओ यहाँ से। बाहर जाओ यहाँ से। कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे, हेलो रजिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं पूरी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहूंगा। आपने मुझ पर तर्स खाकर मुझसे शादी का फैसला किया था ना, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं भी आप पर तर्स खाऊं? अरे मैं तुम पे तर्स क्यों खाऊंगा? तुम लूली हो, लंगड़ी हो, बैरी हो। मैं गरीब और यतीम हूँ। तुमसे किससे बकवास की है? तीन वक्त की रोटी है ना तुम्हारे घर में, खाती हो ना तुम, तो गरीब तो नहीं हुई। तुम्हारे अब्बा की जगह तुम्हारी इतनी दबंग सी दादी है जो तुम्हारा ख्याल रखती है, तो मुझे क्या जरूरत है मैं तुम पे तर्स खाऊं? रजिया मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। रमीज मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, समझ आई? ठीक है, मैं पूरी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा। और सुबह तक खड़ा। हेलो जैसे सारे सच के ढेरे हैं, ना जागा ना सोया, बातों में खोया, तेरे इश्क की चाहत में खो गया। अस्सलामुअलैकुम, आपका लड़का कल से हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है। ये खुद को पढ़ा लिखा आप कहती हैं? शरीफ लोगों के घर के सामने लड़का खड़ा किया हुआ है, वरना हमारे खानदान में ना सब भाई बहनों को मिला के 17 लड़के हैं, सबको बुलवाकर इतनी कुट लगवाएंगे कि आप याद रखेंगे। हेलो, अगर मजनू बनने का शौक पूरा हो गया हो तो घर वापस आ जा, बहुत बेइज्जती हो। जी
रमीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। रमीज प्लीज, खाला की बात तो सुन लो। शट अप सारा। यू स्टे आउट ऑफ दिस। तुम दोस्त कहती हो ना मुझे अपना, ये करते हैं दोस्तों के साथ। So selfish. ये फर्क है तुमने और रजिया, शर्म आनी चाहिए। इससे क्या अपना सामान बांधे और चली जाए यहां से वापस, कुछ इसकी शक्ल नहीं देखी। रिलैक्स, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा काम तो हो गया, रजिया से जान छूट गई। जाऊंगी आज शाम उसके घर, ये सारे मंगनी के तोहफे वापस कर आऊंगी और फाइनली इस कहानी को एंड करके आऊंगी। साथ चलना तो मेरे। नहीं खाला, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ भाई, अब क्या काम है रजिया से? बात करनी थी, नजर नहीं आ रही थी। गई है अपनी सहेली के साथ। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत खाऊं। अरे जाओ जाओ, दफा हो यहाँ से। हम लानत भेजते हैं तुम पर और तुम्हारे लड़के पर। हाँ। जब तुम्हारा दिल ही नहीं था हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ने का, तो ये मंगनी का ढोंग क्यों रचाया? अब करती ना उसी चुड़ैल के साथ जिस पर निसार थी। चलो चलो जाओ, दफा हो यहाँ से। देखें, आप तमीज से बात करें। हम क्या तमीज से बात करें, आप तमीज से बात करें। हाँ, सही बोला ना जान? बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। मैं तो बस ये मंगनी के तोहफे लौटाने आई थी। तो किसी और से भिजवा देती, खुदा ने की क्यों तकलीफ की तुमने? आप तो आपे से बाहर ही हो रही हैं। अरे बीबी, तुमने हमारा जलाल नहीं देखा? अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी नाक और चोटी तुम्हारे हाथ में काट के रख देंगे। देखिए अब आप बदतमीजी कर रही हैं। हाँ कर रहे हैं हम बदतमीजी, और भी ज्यादा बदतमीजी करेंगे, टंके की चोट पर करेंगे बदतमीजी। बताओ तुम करो। खबरदार हो तुमने, हम जाने अरे अपनी लड़की है। हाँ लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? रजिया तुम तो कहकशा के घर गई थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने निकाह कर लिया है। हाय हाय रजिया, अरे पागल हो गई है क्या? इस चूड़े चमार के साथ क्या निकाह करेगी? दादी ऐसे तो मत बोले, ये तो बहुत अच्छे हैं। जी खाक अच्छे। रमीज रजिया से मोहब्बत करता है, इसने कोई तर्स खा के रजिया से मंगनी नहीं की है। आप लोग खुद सोचें, तर्स खा के एक इंसान दूसरे इंसान की फाइनेंशियल हेल्प तो कर सकता है, लेकिन शादी कौन करता है? मैंने इन दोनों से माफी मांग ली, क्योंकि मैंने इनके बारे में जो भी कहा था ना वो झूठ कहा था, इसीलिए मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया। मैं जानती थी, मुझे पहले से पता था आप दोनों खानदान वालों के बीच में ठन गई है। आपने तो इनका निकाह कराना नहीं है, इसीलिए मैंने करा दिया। दादी आप फिक्र मत करें, रजिया को बहुत खुश होगा। अंजन बच्चों को प्यार तो कर ले। आओ आओ इधर आओ, निया जीते रहो जीते रहो। आप लोगों को इस खुशी के मौके पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ क्या बताना है? हम दो दिन के बाद सवार जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर हर चीज बेहतरीन हो, और हाँ गाड़ी 24/7 हमारे पास होगी, आप फिक्र मत करें उसकी। चलो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। रमीज मैं बहुत खुश हूँ सवाद जाने के लिए। मुझे तो अभी से सवाद की बर्फबारी का सोच सोच के ठंड लग रही है। कितनी ठंड होगी वहां पे। रमीज थैंक यू मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए। You're welcome. आपको पता है मेरी दोस्त ना नजमा सियालकोट वाली, वो गई थी अपने भाई और भाभी के साथ सवात। उसने तो बताया था कि रात में वहां पर जंगली जानवर निकल आते हैं। हम क्या करेंगे अगर कोई जंगली जानवर आ गया वहां पे? और मुझे तो शेर देखने का बहुत शौक है। अल्लाह मुझे तो अभी सोच सोच के डर भी लग रहा है। और मेरी वो दूसरी वाली दोस्त नहीं है तूबा लांडी वाली, वो बता रही थी कि वहाँ पे खाने अच्छे नहीं मिलते। खैर तूबा से क्या फर्क पड़ता है, वो तो हर चीज में कीड़े निकालती रहती है। हम ना चश्मे के पास बैठ के बहुत सारी पिक्स खिंचवाएंगे। रोज रोज जाना तो नहीं होता ना, एक ही दफा तो जा रहे हैं। मैंने एक और चीज वहां पर सोची है, हम वहां पर टेरिस में बैठेंगे और बारबेक्यू करेंगे। हाय
एक और बात बतानी है आपको। अभी भी कोई बात है जो तुमने नहीं बताई? बताओ। मैंने एक मन्नत मांगी थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस लम्हे सवाद का टिकट मेरे हाथ में आएगा, मैं 20 नफिल शुक्राने के पढ़ूंगी। 14 सुबह पढ़ लिया है, 6 वहां पर पहुंच के पढ़ूंगी। फोन। हेलो। ओके ओके, बस यार 5 मिनट में आ रहा हूं। गाड़ी आ गई है, चले एयरपोर्ट। अरे तो बैठे हुए क्यों है कि फ्लाइट वाले में छोड़ के ना चले जाए। जल्दी 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 जल्दी। और सलमान और मद्दी को भेज रहा हूँ। अभी आपको अहम खबर दें, बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। नाज़रीन आपको एक बार फिर बताते चलें कि स्वात जाने के तमाम रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गए। मेरा हनीमून तो खराब हो गया है, मगर आप लोग अपनी ईद मनाएं। ईद मुबारक।